नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। आज हम आपके लेकर आए हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स में निकली हुई भर्ती के बारे में। सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स में भर्ती निकली है और इस पोस्ट को यदि आपको अप्लाई करना है तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी बताएंगे कि आप किस तरीके से इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हो और जॉब पा सकते हो जो कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स में हो रही है। तो दोस्तों देखा जाए तो ये जो वैकेंसी है मुंबई महाराष्ट्र में हो रही है, तो सिलेक्ट होने पे आपकी पोस्टिंग मुंबई महाराष्ट्र में होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो वैकेंसी है ग्रुप सी के पोस्ट के लिए हो रही है और भी यहाँ पर वैकेंसीज है उसके बारे में हम जानकारी देखेंगे। और उसके पहले हम आपको बता देते हैं कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इस लाल सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ आपको राइट साइड में यहाँ पर बेल आइकन दिख जाएगा, उस बेल आइकन को यदि आप प्रेस करोगे तो ही आपको जॉब्स के जो अपडेट्स है तुरंत आएंगे और आप लेटेस्ट जॉब्स की जो जानकारी है वो प्राप्त कर सकोगे। तो दोस्तों बढ़ते हैं, जैसे हमने कहा कि सीबीएसई में जॉब निकली है, वेरियस पोस्ट है, एग्जैक्ट कितने वैकेंसी से बताई नहीं गई है। 18,000 से 56,900 तक आपको यहाँ पर वेतन मिल जाएगा प्रति माह सिलेक्ट होने पे। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन अप्लाई करने के लिए आपको 10वीं पास होना जरूरी है और इक्वलेंस क्वालिफिकेशन के उम्मीदवार इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट यहाँ पर 18 से 27 साल है, यानी 18 से अधिकतम 27 साल के उम्मीदवार इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं और उनका एप्लीकेशन निषेध कर सकते हैं। एससी एसटी कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन है, ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए 3 साल का और पर्सन विद डिसेबिलिटी कैंडिडेट्स के लिए 10 साल का एज रिलैक्सेशन यहाँ पर रखा गया है। सिलेक्शन प्रोसीजर फिजिकल टेस्ट तथा इंटरव्यू के द्वारा होगी और यहाँ पर आप देख सकते हो स्टार्टिंग डेट अप्लाई करने के लिए 15/11/2018 यानी कि 15 नवम्बर से ही ऑनलाइन आवेदन स्वीकारना शुरू हो रहा है। तो आप 15 नवंबर से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और अधिकतम आप 12 दिसंबर तक इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हो। 12 दिसंबर तक लास्ट डेट है और 12 दिसंबर के बाद आपका आवेदन स्वीकारा नहीं जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो हवलदार जीआर ग्रेड सी की ये वैकेंसी है और एज लिमिट 18 से 27 साल है और यहाँ पर आप देख सकते हो एज रिलैक्सेशन यहाँ पर अप्लीकेबल है। 3 साल का एज रिलैक्सेशन है ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए, 3 साल का है एससी एसटी कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए और यहाँ पर आप देख सकते हो एज रिलैक्सेशन के बारे में अच्छे तरीके से जानकारी बताई गई है। प्रतिमा आपको वेतन भी अच्छा खासा मिल जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको मिनिमम 10वीं पास होना जरूरी है और रिक्वायरमेंट क्वालिफिकेशन के उम्मीदवार इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। और जो उम्मीदवारों ने स्पोर्ट्स में अच्छा काम किया है या जिन्होंने स्पोर्ट्स में कोई मेडल लाया है या अच्छा काम किया है उनके लिए ये वैकेंसी है। खास करके जो उम्मीदवार होते हैं जिन्होंने स्पोर्ट्स में स्टेट लेवल पे या नेशनल लेवल पे अच्छा परफॉर्म किया है उनके लिए वैकेंसी है। एथलीट्स के लिए या जैसे बहुत से स्पोर्ट्स होते हैं जैसे हमारे इंडिया में, जैसे कि क्रिकेट, वॉलीबॉल, कबड्डी, मेन एथलेटिक्स, ऐसे इवेंट्स में जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है उनके लिए वैकेंसी है। और आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अटैच करना है उसके बारे में यहाँ पर जानकारी बताई गई है। एप्लीकेशन का फॉर्मेट यहाँ पर दिया गया है, इस एप्लीकेशन के फॉर्म को आपको भरना है और आपका एप्लीकेशन जो है निश्चित कर लेना है। बहुत अच्छी वैकेंसी है और बहुत दिनों बाद कोई वैकेंसी निकली है और वो भी खास करके स्पोर्ट्स कोटा यानी कि स्पोर्ट्समैन के लिए। तो जो भी हमारे उम्मीदवार अप्लाई करना चाहते हैं तुरंत अप्लाई करिएगा। सीबीएसई यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स के द्वारा भर्ती जारी की गई है, 15 दिसंबर तक आपके पास टाइम है तो तुरंत अप्लाई करिएगा। लास्ट डेट अप्लाई करने के लिए आप यहाँ पर देख सकते हो कि बताई गई है जो कि 15/12 यानी 15 दिसंबर है, तो तुरंत अप्लाई कर आपका एप्लीकेशन निश्चित करेगा। और ऐसे जॉब्स की जानकारी यदि आपको पाते रहना है तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, क्योंकि यदि आप बेल आइकन को प्रेस करोगे तो ही आपको जॉब्स के जो अपडेट्स है आते रहेंगे, वरना आपको जॉब्स के जो अपडेट्स है नहीं आएंगे और आप लेटेस्ट वैकेंसीज से वंचित रह सकते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं वीडियो आपके पसंद आई होगी। हम मिलेंगे आपके साथ ऐसे किसी और वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।